गाइस कैसे हैं आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के चैनल पे। तो ये रात का क्लिप है, हम उनके घर से आ गए। किसके घर से? इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई बात नहीं हो जाने दो। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि वंदना दी जा रही थी, तो मैंने बोला कि इतनी रात को जाओगे फिर थक जाओगी, फिर बनाओगे इसे अच्छा खा के ही जाओ। टैंक नहीं गाइस, सही बोला ना, बैन होने का फर्ज ही मारे। वरना थी अपने टाइप में हमेशा डरती है मैंने बड़ी बहन होने का। अरे गलती से हाथ दिखा गया, बड़ी मम्मी होने का हाथ दिखा गया। अच्छा चलो हम कट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ चावल रख दी, और मैं बनाऊंगी क्या, दो प्याजा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा रोटी जमने लगा भूने के चक्कर में। प्याजा आलू कल पेट दे रहा है। सब क्या ले रहे हो? ये थोड़े प्याजा और दस बेटा। यही तो दिखा रहे बस। अच्छा दो थोड़े प्याज़ा। मेरे पति देव को ना मेरी मम्मी के हाथ का बहुत ही टेस्टी लगता है अरे दो प्याज़ा। तो मैंने बोला क्या, ये लोग चावल नहीं खाते, कल भी नहीं बनाया था, कल क्योंकि एकादशी हो गया था, किसी ने खाया नहीं था, तो किसी का सही से पेट नहीं भरा। बोलते हैं चावल जब से नहीं बनता तब से पेट नहीं भरता। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा डालूंगी दाल, और यहाँ मैं थोड़ी सी लोई काट देती हूँ, अंदाज मिल जाएगा कौन कितना रोटी हो जाएगा। तो मैंने दे दिया है ऋषभ को सूट करने के लिए। पता नहीं ऋषभ सही से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहे सही सुनना सही कर रहा है। चलो बच्चा है जो कर दे वही सही है। ठीक है गाइस ब्लॉग बनाने में फटाक से रोटी बना लेती हूँ। हाउ आर यू किट्टू, कैसी हो आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? सामान लेकर है ना, वही बाकी है। ओ मैम जी इतना सामान, देखो पैर पैर में पूरा लगेगा, तुम गिरा दी जमीन में फैलेगा। नमक वमक सब भर रही किट्टू रानी। नमक हम लोग डाइट नमक लाए थे ना, सर एक खत्म तो कर रहे हैं। अच्छा ये पड़ा हुआ है अभी? चलो नमक वमक सब भर रही है। बेटू इधर सो गया है। इतना बिस्किट निकल गया चूरा, वो वाला बिस्किट खराब है, क्या करोगे? पूरा पैकेट में ऐसे ही है, खत्म हो गया। वो उसमें से चाय पत्ती उतारो। तो गाइस यहाँ पे है चाय की पत्ती। ये भगवान, ये तो नया पैकेट है। आ? ये तो नया पैकेट है, ओपन पैकेट भी था कोई तो नहीं होगा, वही था तो। हाँ, ये नम है इसके बाद तो। हाँ वही होगा। कितनी बार बुलाया गया था ये नहीं आई, फिर बोली कि नहीं हम आएंगे बाद में आएंगे बाद में आएंगे। तो बाबू मेरा सो रहा था, बोली कितना देर तक इसको सुलाओगे, कितना देर तक वैसे रात को नहीं छोड़ेगा। वैसे गाइस ये कल के ब्लॉग में बोले थे कि मेरा घर खाली नहीं रहता है, मेरा घर भरा ही रहता है, और सच में। और इन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज दिया, आप लोगों ने अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। ओहो ओहो ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं प्यार करने के लिए मेरे बेटे को।
बाबू है ही इतना प्यारा। इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, उधर है और मम्मी उठा उठा के ले आ रही है, करेगी मम्मी उठ भी नहीं रहा है। नहीं वजन होता है ना, वह मम्मी जी उठ भी नहीं रहा है। इनका देखो, इनका देखो बेचारे नए नए पापा बने, लेकिन कोई पापा खिलाते ही नहीं है बाबू। देखिए आज ये भी बोल रही है, ये भी बोल खिलाते ही नहीं है भैया, पापा नहीं खिलाते हैं। भाई साहब ये दुकान शोरूम खोल दिए क्या यहाँ पे? आई अब्बी का है, देख रहे हो आई अब्बी का, हमारा इसी कंपनी का। बहुत ज्यादा प्यार हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ सुनाइए। आप जब आती हैं तो इतना पोटरी लेकर क्यों चली आती हैं? आपको कितनी बार मना की हूँ कि मत लाया करिए, आ जाया करिए। वही देखिए, आप ना प्यार देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और आप मेरी सबसे पहली वाली सब्सक्राइबर हैं। एकदम मतलब कि जो होता है ना कि इतनी बारीकी से जो देखता है वीडियो, और बहुत अच्छे से वीडियो देखती भी हैं, समझती भी हैं। मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये ऐसी सब्सक्राइबर है हमारी पहली ना, जो सिर्फ हमारी बड़ाई नहीं करती हैं, हमारी कमियां भी हमको बहुत ज्यादा बताती हैं, और हमको गाली भी देती हैं, तुम ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है ये चीज, और हमें बहुत मार्गदर्शन इन्होंने दिया है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नहीं इनकी बहुत बड़ाई करती होंगी, चापलूसी करती होंगी, इसलिए इनसे खास है, ऐसा नहीं है। ये हमारी निगेटिविटी हमको ज्यादा बताई, इसलिए ये खास बनी है हमारी। जो बताती है ना बिल्कुल परफेक्ट भी अच रहा है हमारा, बाप भी। इन्होंने अगर हम लोग आगे बढ़ जब मैं ना जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, तब आई थी आप मुझसे मॉल में मिलने ना पहली बार, और कितनी पतली थी मैं। किट्टो का नया चैनल खुला था, और उसके बाद इन्होंने हमारी गलतियां बहुत बताई हमको कि नहीं क्या बोलते तुम लोग, किट्टो का 50,000 होने वाला था, तब मैं घर पे करा के गई। और इसके बाद इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से भी बचाया था, अगर आप नहीं बताती तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाते। वो मुसीबत कभी आप लोग से शेयर करेंगे, अभी तक नहीं बताया ना। सही बात है। वो चीज बहुत बड़ा, आज हम लोग ना ऐसे सड़क पे ऐसे दे दे बाबा दे दे ऐसे रहते हैं बाबू, बहुत प्यार। हाँ इसके बारे में बताओ ना, देखो ये जब मना करते हो आप भी, तो ये देखो इतना सारा सामान फालतू लेकर चली आई। हम तुम्हारे लिए नहीं लाए, मेरे घर आई तो मेरे लिए ही लाए। नहीं आप बाबू के लिए लाए, अपने बेटे के लिए लाए। तो बाबू इतना खाएगा, इतना करेगा, बताओ कहते बाबू मेरे लिए लाई है नानी, मैं खाऊंगा, मैं कप पे पहनूंगा। देखिए गाइस बहुत ज्यादा ये सब हो गया है ना, मैं दिखा दूं क्या? देखो एक वो है, एक उसके नीचे है, अब नीचे क्या है, ये फ्रूट्स है, मिठाई है, कपड़े हैं, और इनके बेटे ने लाया है बाबू के लिए चॉकलेट कुरकुरे। बताओ मेरा बाबू चॉकलेट खाएगा अभी? खाएगा ना बाबू, बाबू मेरा बाबू भूखा हो गया है। बाबू ने इसकी माँ खा लेगी है? चॉकलेट भी बोली इसकी माँ खा लेगी, माँ खा लेगी, पापा खा लेगी। पापा लो, बाबू रो रहा तुम्हारा, लो अभी आप बोलोगे की चलो चलो प्यार करो प्यार करो प्यार करो, कह कह के थक गई हूँ बेटू। बाबू तू को खिला लो पापा। अच्छा आप बताइए, हम क्या नाम है आपको, यहाँ के कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा भैया, हमारे को तो हम तो आते रहते हैं, बस जब तक बाबू नहीं हुआ था मैं आई नहीं थी, कोई वजह मन्नत मानी थी। हाँ, कि जब तक उसका 11 एकादशी जब मेरी तबीयत खराब थी तब आप आई थी, फिर इसके बाद आ जाएंगे ना, तबीयत खराब तब देखने आई थी। हाँ बिना बताए भी आई थी ना कि मैं आ रही हूँ इसको देख के जाऊंगी, तबीयत नहीं सही है इसका। सो के उठ गए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कल्ला, मेरा पुल्ला, मेरा सुल्ला, अभी जो भी नाम बुला दो भी नाम सही है, छोटा अमित। लेकिन ये बिल्कुल किट्टो की तरह है, टू कॉपी किट्टो की है, बस नाक पता नहीं कैसे अमित पे चली गई है। नहीं नोजी भी मेरी सास मतलब की मेरी ननद बोल रही थी कि तुम्हारा ही पाया है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं लग रही है, अब उठाऊ मैं सुबह से सो सोगे, इतनी देर से तो इन सबको परेशान नहीं कर रहा था, खेली खेली कर रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, ऐसे हो रहा था। ये लोग नहीं देते हैं, बुबू नहीं देते बाबू को, देते हैं दूध गर्म गर्म। किट्टो को मारूंगी अभी, बहुत मारूंगी किट्टो को, बहुत पिटाई पड़ेगी अभी, अभी किट्टो पिटेगी। हाँ आज मेरी पिटाई होने वाली है गाइस, देख लो आज किट्टो को डंडे से मारेंगे, किट्टो को डंडे से मारेंगे। वो भी समझ रहा है, वो भी समझ रहा है, समझ रहा है। दे दो ये लो, बटू कवर है, कवर जा जाना नहीं, भैया लाडला है भैया, ये अपनी नानी का, मम्मी का लाडला है। मेरी सोनाक्षी ना 9 महीने थी ना हमारे घर पे मतलब मायके में,
नौ महीने सोनाक्षी थी, मम्मी इतना रो रही थी, हम लोग इतना ज्यादा मोह हो गया था ना। हाँ, अब जब मम्मी जाएंगी ना तो भी बाबू देखना बहुत मुश्किल से हैंडल होगा, क्योंकि बाबू को आदत हो गई है ना। अब सोनाक्षी भी ना बहुत ज्यादा रो रही थी, उसका मन नहीं लग रहा था जब गई थी वहाँ पे, तो दूसरे दिन फिर चली आई थी, तो हम लोग का ना इतना हम लोग को संतुष्टि मिला उसको देख करके ना, क्योंकि ना वो जैसे बच्चों का मोह होता है। हाँ, हम लोग को मम्मी उधर रो रही है, हम उधर रो रहे हैं, दीपक उधर, हम लोग इतना रो रहे थे मन ही नहीं लग रहा था उसके बिना। तो मम्मी सभी के लिए करती है, अपने बच्चों को तीनों चारों पांचों को एक समान समझती है। अभी मम्मी कल अपने नाती पोते से बात करके रोने लगी, मम्मी अपने नाती पोते से भी बहुत प्यार करती है, ऐसी बात नहीं। पांचों बच्चों को लड़की को आजकल और लड़कों को एक बराबर समझती है, अच्छी बात, हर घर में ऐसा नहीं होता है। और नहीं तो क्या, हम क्या देखो, और वो लोग भी कितना मम्मी को पूछते हैं, मतलब की बातें। और आप गाइस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगा उसको खोलने में, और वीडियो मेरी 11 मिनट की हो गई है, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग को ही पेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ मैं सोचती हूँ तो ये मेरे को टोक देते, क्या सोचती हो, करके हटाओ एंड। तो चलिए गाइस एंड करते हैं, और मेरा बेटा सुसु कर दिया, ऋषभ कहता है जल निकाल जल निकाल जल निकाल, ऋषभ बोलता है बाबू को जल निकाल बाबू जल निकाल जल निकाल जल निकाल, ऋषभ बहुत, ऋषभ तो दिन में उसके साथ बबुआ उसका हाथ हवा, उसका ऐसी सरवा ऐसी उसकी आदत हो गई थी, चुन 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 सोया रहेगा ना दोनों आकर के किस करके ऐसे करके वैसे करके, बच्चे हैं थोड़ा बच्चे का शौक ही, क्योंकि ऋषभ के बाद कोई बच्चा पाया नहीं घर के अंदर। तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, और जरूर वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे, कि क्या क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, बाय बाय।